नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा तो देखो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूनेस फ्लक्स ल्यूनेस फ्लक्स का यूनिट ये चार ऑप्शन में से कौन सा है लॉक्स है ल्यूमेन है कैंडला है या ल्यूमेन पर मीटर्स स्क्वयर है तो इसका आंसर होगा जो ल्यूमिनस फ्लॉक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन इज द करेक्ट आंसर तो किसका यूनिट है जो इल्यूमिनेशन mm होता है उसका यूनिट क्या है किसका यूनिट है जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है उसका यूनिट क्या है कैंडला तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट ल्यूमिनस फ्लॉक्स का ल्यूमेन और इल्यूमिनेशन का लॉक्स है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन ट इज यूनिट ऑफ लिवनेस एफिशिएंसी का यूनिट क्या है उसका यूनिट क्या है ऑप्शन नंबर डी लिमेन पर व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेजर आर्मेचोर वाइंडिंग रेजिस्टेंस देखो जो आर्मेचोर वाइंडिंग होता है आर्मेचोर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम ये चार में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं मेगर से या मल्टीमीटर से या सीरीज टाइप ऑफ मीटर से या केल्विन ब्रिज से तो इसका आंसर होगा जो आर्मेच्योर वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैल्भिन ब्रिज से मेजर करते हैं ऑप्शन नंबर डीज द करेक्ट आंसर और जो ये आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो वेरी लो रेजिस्टेंस होता है इसीलिए हम उसको कैलबिन ब्रिज से मेजर करते हैं देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हुईज इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट देखो आर्मेचर का जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसका शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं टेस्टर का यूज करते हैं या इंटरनल ग्रोलर का यूज करते हैं या एक्सटर्नल ग्रोलर का यूज करते हैं या डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं तो इसका आंसर होगा जब एक आर्मेचर वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तब हम एक्सटर्नल ग्रोलर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हुईज इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट देखो इनमें से चार टाइप ऑफ मीटर में से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है एसी वोल्ट मीटर है या डीसी वोल्ट मीटर है या एनर्जी मीटर है या टेंजेंट गलवाना मीटर है तो इसका आंसर होगा जो एनर्जी मीटर होता है ऑप्शन नंबर सी जो एनर्जी मीटर होता है वो हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है बाकी जो एस सी वोल्ट मीटर डी सी वोल्ट मीटर और टेंजेंट गाल मीटर गालवाना मीटर है ये हमारा क्या है ना ये हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है और जो एनर्जी मीटर है वो हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ द क्रिपिंग एरर इज कंट्रोल्ड इन एनर्जी मीटर देखो जो हमारे घर में जो एनर्जी मीटर होता है मीटर बॉक्स होता है उसमें जो एरर होता है क्रिपिंग एरर उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे हम रेटेड वोल्टेज को कम करके क्रिपिंग एरर कंट्रोल करेंगे या इंडक्टिव लोड को ज़्यादा कर इंक्रीज करके या जो ब्रेक मैग्नेट पोजीशन होता है उसको एडजस्ट करके या ड्रिलिंग टू होल डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑन डिस्क या जो डिस्क होता है उसका दोनों साइड में दो होल को ड्रिल करके हम क्रीपिंग एरर को कंट्रोल करेंगे तो इसका आंसर होगा जब किसी एनर्जी मीटर में क्रिपिंग एरर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे ना ऑप्शन नंबर डी ड्रिलिंग टू होल डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑन ए डिस्क ऑप्शन नंबर डी द आंसर क्या करेंगे ना जो डिस्क रोटेट करता है उसका दो साइड में दो होल को ड्रिलिंग करने से क्या होगा ना क्रिपिंग एरर कंट्रोल होता है ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर तो ये क्रिपिंग एरर क्या होता है तो देखो क्या होता है जो एनर्जी मीटर का जो डिक्स रोटेट करता है जब ज़्यादा लोड होता है तो ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता है जब कम लोड होता है तो एक कम स्पीड में रोटेट करता है लेकिन जब इस एनर्जी मीटर में क्रिपिंग एरर होता है उस कंडीशन में विदाउट लॉड बिना लॉड में भी ये रोटेट करता है जिसको हम क्या कहते हैं क्रिपिंग एरर कहते हैं और इस क्रिपिंग एरर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं ना वो डिस दो साइड में दो होल को हम ड्रिल करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट इज द नेम ऑफ शॉर्ट रेजिस्टेंस मेटेरियल देखो जो शॉर्ट रेजिस्टेंस होता है वो कौन सा मेटेरियल का होता है कॉपर का होता है यूरेका का होता है या निक्रोम का होता है या मांगानिन का होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट होता है वो हमारा मांगानिन मेटेरियल का होता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि जो शॉर्ट रजिस्टेंस होता है वो हाई रजिस्टेंस मेटेरियल का होता है तो मांगानिन बेग हाई रजिस्टेंस है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो हाउ नेटर आर रेटेड देखो जो ऑल्टरनेटर जिसको हम कहते हैं ए सी जनरेटर ए सी जो डी सी ए कहता है डी सी जनरेटर और जो ऑल्टरनेटर जिसको हम कहते हैं ए सी जनरेटर उसका रेटिंग के वी ए से होता है किलो वोल्ट एम या किलो वाट के डब्ल्यू में होता है या एम डब्ल्यू में होता है या के वी में होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑल्टरनेटर होता है उसको हम के वी ए किलो वोल्ट एम प्योर के वी ए में रेटेड रेट करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हुईज फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट दी परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोल्टेज रेगुल रेगुलेशन इन अल्टोनेटर ऑल्टोनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करते हैं फुल लोड वोल्टेज माइनस नो लूड वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लॉड वोल्टेज इंटू हंड्रेड या नो लुड वोल्टेज माइनस फुल लॉड वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लोड वोल्टेज इंटू हंड्रेड या नो लुड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई नो लुड वोल्टेज इंटू हंड्रेड या फुल लोड वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज डिवाइड बाय नो लोड वोल्टेज इंटू हंड्रेड तो इसका आंसर होगा जो अल्टरनेटर होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन को हम क्या करते हैं ऑप्शन नंबर सी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय नो लोड वोल्टेज इंटू हंड्रेड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देन देखो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग पोल कितना है पोल सिक्स पोल रोन एट स्पीड कितना है वन थाउजेंड आर पी एम तो इसका फ्रिक्वेंसी कितना होगा देखो स्पीड इक्वल टू क्या है स्पीड इक्वल टू वन ट्वेंटी फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई पोल तो स्पीड ये स्पीड है स्पीड इक्वल कितना है देखो फिर स्पीड स्पीड कितना है स्पीड है वन थाउजेंड आर पी एम तो वन थाउजेंड आर पी एम इक्वल टू वन ट्वेंटी इंटू फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई पोल कितना है सिक्स उसके बाद देखो ये ट्वेंटी होगा ट्वेंटी इधर नीचे तो क्या आगा फिफ्टी तो ऑप्शन क्या आगा ऑप्शन नंबर सी फिफ्टी हॉज इ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्शन मोटर इज टू बी रिवर्स देखो जो रिपल्शन मोटर होता है ये एक हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रिपल्शन मोटर का जो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन है मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन को हम रिवर्स कैसे करेंगे बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल बाय चेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल या बाय चेंजिंग द कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हमें रिपल्सन मोटर का डिरेक्शन ऑफ रोटेशन को हमें रिवर्स करना होगा तो हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस उसका जो ब्रश एक्सिस है उसको थोड़ा शिफ्ट करना आता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक सिंगल एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो दो वाइंडिंग होता है एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग दूसरा आता है रनिंग वाइंडिंग दोनों के बीच में एंगल कितना आता है फोर्टी फाइव इलेक्ट्रिकल डिग्री या सिक्सटी डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री या नाइन्टी इलेक्ट्रिकल डिग्री या वन ट्वेंटी इलेक्ट्रिकल डिग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका दो वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में एंगल कितना रहता है ना ऑप्शन नंबर सी नाइन्टी इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑप्शन नंबर सी आंसर देखो ये रोटर है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये रनिंग वाइंडिंग है यह स्टार्टिंग वाइंडिंग यह रनिंग वाइंडिंग तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना रहता है ना ऑप्शन नंबर सी नाइन्टी डिग्री रहता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ये जो एक्स मार्क किया गया है ये इन सेडेट पोल मोटर तो ये कौन सा पार्ट है ये जो एक्स मार्क किया गया ये ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है व्हाट इज द इस पार्ट का काम क्या है इनक्रीज द एफिशिएंसी एफिशिएंसी को इनक्रीज करने के लिए या कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए या इनिशिएट द रोटर मोवमेंट रोटर मोवमेंट रोटर को जो रोटर का रोटर मोव करता है उसको इनिशिएट करने के लिए या स्ट्रें स्ट्रेंग द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ करने के लिए तो इसका आंसर होगा ये जो एक्स मार्क किया गया है इसका काम क्या है ना इसका काम है इनिशिएट द रोटर मोवमेंट जो हमारा सेडेट पोल मोटर होता है उसका जो रोटर होता है उसको रोटेटिंग स्टार्ट करने के लिए हम ये ये जो एक्स मार्क किया गया इसको हम यूज करते हैं ये होता है सडेड पोल ये देखो इतना ये हाफ पर्सन क्या है ये टोटल एक पोल है इस पोल का ये हाफ पर्सन क्या है अनसडेड पर्सन और ये जो पर्सन है इस पर जो कोयल का वाइंडिंग किया गया है इसको हम कहते हैं सेडेड पर्सन तो जब मोटर रोटेड होता है जब मोटर रोटेड होता है तो ये जो ये मान लो ये रोटर है तो ये अनसडेड पोर्सन अनसडेड से सेडेड पोर्सन की तरफ रोटेट करता है रोटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सेडेड पोल मोटर होता है उसका रोटर सेडेड पर्सन से अनसेडेड पर्सन या अनसेडेड पर्सन से पर्सन की तरफ तो रोटेट करता है तो इसका आंसर होगा जो रोटर होता है वो अनसेड पर्सन से पर्सन की तरफ तो रोटेट करता है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी जो ये सेडेड कोयल है इसका काम क्या है ना रोटर को मूवमेंट को इनिशिएट करता है ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हुईज मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मेथड को अडॉप्ट किया जाता है स्प्लिट फेज मेथड को या वेरीफाइंग सप्लाई वोल्टेज मेथड को या रिवर्सल इनपुट सप्लाई टर्मिनल को या रिवर्सल रिवर्सल ऑफ रनिंग कॉल कनेक्शन को तो इसका आंसर होगा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हम स्प्लिट फेज मेथड यूज करते हैं ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर कैसे होता है देखो जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको हम एक फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई देते हैं लेकिन मीन्स यह सिंगल फेज सप्लाई है एक फेज एक न्यूट्रल जो सिंगल फेज होता है उसका रोटेटिंग कैपेसिटी नहीं होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सिंगल फेज सप्लाई होता है उसका रोटेटिंग कैपेसिटी नहीं होता है वो रोटर को घुमा नहीं सकता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं जो सिंगल फेज होता है उसको स्प्लिट करते कैपेसिटर के थ्रू स्प्लिट करके टू फेज में कन्वर्ट करते हैं जिससे क्या होता है ना मोटर रोटेट करता है इसीलिए जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको स्प्लिट करके हम टू फेज में कन्वर्ट करते हैं जिसको कहते हैं स्प्लिट फेज मेथड इसलिए हम कहते हैं स्प्लिट फेज मेथड से एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है ऑप्शन नंबर ये इत द करट आंसर क्योंकि सिंगल फेज का रोटेटिंग या घुमाने का पावर नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर ये इत द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई दी रोटर बार आर माउंटेड इन इन ए स्लाइटली स्क्यूड पोजीशन इन ए थ्री फेज मोटर जो थ्री फेज थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर होता है रोटर का बार जो होता है वो स्लाइटली स्क्यूड क्यों होता है देखो ये जो फिगर है ये हमारा स्कोरल केज रोटर है और ये हमारा स्लीपिंग मोटर है लेकिन दो ये जो बार है ये स्लाइटली स्क्यूड स्कु, है स्ट्रेट नहीं है थोड़ा स्क्यूड है देखो क्यों स्क्यूड है क्योंकि मैक्सिमम फ्लो जनरेट करने के लिए या स्ट्रेलस को कम करने के लिए या रोटर जो रोटर स्पीड है उसका कांस्टेंट कांस्टेंट रोटर स्पीड को मेंटेन करने के लिए या प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये जो रोटर होता है उसका जो बार होता है वो बहुत क्यूड इसलिए होता है क्योंकि रोटर फील्ड को यु, मोर यूनिफॉर्म करने के लिए और उसका टॉर्क को टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हुईज लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके उसमें नो लोड टेस्ट नो लोड टेस्ट इनमें से कौन सा लॉस को डिटरमाइन करने के लिए नो लोड टेस्ट किया जाता है आयरन लॉस को डिटरमाइन करने के लिए या कॉपर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए या फ्रिक्शन लॉस को डिटरमाइन करने के लिए या इंडेज लॉस को डिटरमाइन करने के लिए तो इसका आंसर होगा जो हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो नो लोड टेस्ट करते हैं वो हमारा आयरन लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम नो no लोड टेस्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द एलईडी आर एवॉयडेड एज कन्वर्टर ऑफ रेक्टिफायर डायोड देखो जो रेक्टिफायर होता है वहां पर हम डायोड का यूज करते हैं तो जो डायोड यूज करते हैं वो एलईडी एलईडी भी एक डायोड होता है ना लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी फुल फॉर्म क्या है एलईडी इसका फुल फॉर्म क्या है लाइट एमिटिंग डायोड तो जब एक रेक्टिफायर में डायोड का यूज किया जाता है तो एल डायोड का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो एल होता है ये हैवीली डॉप होता है या वेरी लो पावर डिवाइस होता है या इस एल को लाइट एमिटिंग के मुताबिक डिजाइन किया जाता है या वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है तो इसका आंसर होगा जो एल लाइट एमिटिंग डायड होता है वो वेरी लो पावर डिवाइस होता है इसीलिए हम इसको रेक्टिफायर में यूज नहीं करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हुई इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका मेन ये चार में से कौन सा मेन एप्लीकेशन है एलिवेटर में यूज किया जाता है या पेपर रोलिंग मिल में यूज किया जाता है या ए सी टू डी सी कन्वर्टर में यूज किया जाता है या पावर फैक्टर कॉरेक्शन डिवाइस में यूज किया जाता है तो इसका आंसर होगा जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है उसको हम पावर फैक्टर क्रेक्शन के लिए यूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर तो सिंक्रोनस मोटर मोटर को हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जो ओवर एक्साइटेड होता है उस कंडीशन में ये लीडिंग पावर फैक्टर सेंडिंग करता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं पावर फैक्टर करेक्शन में हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट देखो जो मोटर जनरेटर सेट होता है उसका ये चार में से कौन सा उसका एडवांटेज है वो होता 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 है होता है 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 नॉइज नहीं या 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 एफिशिएंसी ज़्यादा रहता मेंटेनेंस बहुत कम होता है, या जो आउटपुट डीसी वोल्टेज होता है उसको इजीली कंट्रोल करता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मोटर जनरेटर सेट होता है उसका एडवांटेज क्या होता है ना जो डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसको वो इजीली कंट्रोल करता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल देखो ये जो सिंबल है ये कौन सा डिवाइस का सिंबल है सिलिकॉन कंट्रोल आई एस का या आईजीबीटी का या डायक का या ट्रायक का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो सिंबल है ये हमारा डायक का है ऑप्शन नंबर सी इज द करेंट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हुईज एक्टेज बोथ इन्वर्टर एंड कॉन्वर्टर देखो इनमें इधर मेटल एक्टिफायर है आर्क रेक्टिफायर है सेमी कॉन्डक्टर डायर्ड है और सिंक्रोनस कन्वर्टर है इनमें से कौन सा इन्वर्टर जैसा भी काम करता है और कन्वर्टर जैसा भी काम करता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सिंक्रोनस कन्वर्टर होता है तो वो एक कन्वर्टर हो गया और यह सिंक्रोनस कन्वर्टर इन्वर्टर जैसा भी काम करता है तो इन्वर्टर काम क्या होता है ना इन्वर्टर डी को ए में कन्वर्ट करता है तो इसीलिए जो सिंक्रोनस कन्वर्टर होता है वो इन्वर्टर जैसा भी काम करता है और वो एक खुद कन्वर्टर भी है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर अभी डिस्कशन हो गया इन्वर्टर का काम क्या है ना इन्वर्टर का काम है डीसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट डीसी टू एसी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन ए सडेट पल फैन मोटर देखो जो सेडेड पल मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क को हम कहीं से प्रोड्यूस कहीं से करेंगे यूजिंग रिंग ऑन पल यूजिंग कैपासीटर ऑन वाइंडिंग सर्किट वाइंडिंग सर्किट में कैपासिटर यूज करेंगे या इंटर चेंजिंग केज लोटर वाइंडिंग बाई स्विच या इंटर चेंजिंग फील्ड कॉयल वाइंडिंग बाई स्विच तो इसका आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो जो सेडेड पोल फैन मोटर होता है उसमें हम क्या करते हैं ना उसका पोल में हम रिंग का यूज करते हैं सेडेड पोल किसे कहते हैं ना जो पोल होता है उसका उस पोल का हाफ में हम क्या करते हैं ना कोयल का वाइंडिंग करते हैं बाकी खाली रहता है तो जो मोटर रोटेट करता है वो अनसेडेड पोर्सन से सेडेड पोर्सन की तरफ रोटेट करता है तो ये जो रिंग यूज किया जाता है ये हमारा सेडेड पोर्सन जैसे काम करता है तो इसीलिए जो सेडेड पोल फैन मोटर होता है उसको स्टार्टिंग टर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम पोल में रिंग का यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रीजन टू यूज ए परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट जो हमारा फैन होता है उसमें हम एक कैपेसिटर को एक परमानेंट कैपेसिटर को यूज करते हैं तो हम फैन में कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं, तो हैं। क्योंकि स्पीड रेगुलेशन होता है या लोअर पावर कौन्ण, पावर कंजम्पशन कम करने के लिए या स्प्लिटिंग फेज फॉर टॉर्क या कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस तो इसका आंसर होगा जो हमारा फ़ैन होता है उसमें हम कैपेसिटर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें स्प्लिटिंग ऑफ फेज फॉर टॉर्क करना होता है ऑप्शन नंबर सी आंसर मैंने अभी बताया देखो जो हमारा फैन होता है वो सिंगल फेज होता है मीन्स हमारे घर में जो फैन होता है उसमें हम एक फेज और एक नेटवर्क का कनेक्शन करते हैं जिसको हम सिंगल फेज कहते हैं और जो सिंगल फेज होता है सिंगल फेज का रोटेटिंग पावर नहीं होता है क्योंकि रोटेटिंग पावर नहीं होता है जिससे क्या होता है ना वो फैन को भी रोटेट नहीं कर सकता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं अगर हम एक कैपेसिटर को कनेक्शन करेंगे तो वो सिंगल फेज क्या करेगा ना उस सिंगल फेज को डबल फेज में कन्वर्ट करेगा और डबल फेज का रोटेटिंग पावर होता है उसके बाद वो उस फैन का मोटर को रोटेट करता है तो इसीलिए जो हमारा फैन मोटर होता है उसमें हम कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं क्योंकि स्प्लिटिंग करता है सिंगल फेज को टू फेज में ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर देखो जो सिंगल फेज मोटर होता है वहाँ पर एक सेंट्रिफिगल स्विच का यूज किया जाता है तो उसको हम क्यों यूज करते हैं मेंटेन कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए या ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए या ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग के लिए या प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग के लिए तो इसका आंसर होगा ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर तो देखो कैसे होता है देखो जो motor, हमारा सिंगल फेज मोटर मान लो ये हमारा सिंगल फेज मोटर का रोटर है ये उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग ये उसका रनिंग ये रनिंग वाइंडिंग ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो देखो जो कैपेसिटर होता है वो यहाँ पर कनेक्शन किया जाता है यह होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर तो देखो जब हम इस ये इस कैपेसिटर में यहाँ पर क्या कि किया जाता है एक सेंट्रीफिकल स्विच का यूज किया जाता है यहाँ पर जब ये रोटर रोटेट करता है जब ये अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी से एट्टी परसेंट स्पीड अचीव करता है उसके बाद क्या होता है ना ये जो हमारा सेंट्रिफोगल स्विच होता है यह डिस्कनेक्ट होता है जिससे क्या होगा ना ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है बाकी वो रनिंग वाइंडिंग और रोटर दोनों घूमते रोटेट करते हैं तो इसीलिए जो हमारा सेंट्रिफिकल स्विच होता है वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है जिसका काम क्या होता है ना स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना ब्रेक करना तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर मोटर यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन ये चार में से हम कहाँ पर यूनिवर्सल मोटर को यूज करते हैं जेट पंप में या फूड मिक्सचर में या टेलीप्रिंटर में या कंप्रेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सल मीटर होता मोटर होता है उसको हम फूड मिक्सचर में यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी द कॉट आंसर यूनिवर्सल मोटर को कहाँ यूज करते हैं ना फूड मिक्सचर में तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर ये जो यूनिवर्सल मीटर होता है ये बहुत ए में भी रोटेट करता है और डीसी में भी रोटेट करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हुईच मेथड इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टार्टर साइड देखो जितने भी स्पीड जितने भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल है वो सभी के सभी रोटर रोटर के रोटर साइड से ही स्पीड को कंट्रोल किया जाता है लेकिन क्वेश्चन में है, कौन सा मेथड से स्टार्टर साइड से हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे बाय कैसकेट ऑपरेशन बाय रोटर कंट्रोल बाय इंजेक्टिंग ई एम इन द रोटर सर्किट या बाय चेंजिंग द सप्लाई अप्लाइड फ्रिक्वेंसी तो इसका आंसर होगा स्टार्टर साइड से हमें इस थ्री फाइज इंडक्शन मोटर का स्पीड को कंट्रोल करना होगा तो इसका आंसर क्या होगा ना अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है वन ट्वेंटी इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई पोल अगर स्टार्टर की साइड में अगर फ्रीक्वेंसी को हम कम करेंगे तो स्पीड भी कम होगा अगर फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे तो स्पीड भी ज़्यादा होगा इसीलिए जब हमें स्टार्टर साइड से स्पीड को कंट्रोल करना होता है तब तो हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी चेक को चेंज करके हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ थ्री फेज स्कोरैल कैज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग देखो जो हमारा स्कोर के थ्री फेज स्कोरैलकाज इंडक्शन मोटर होता है स्टार्टिंग के टाइम रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा देखो रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो देखो जब एक थ्री फाइव जी इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के टाइम होता है स्टार्टिंग के टाइम उसका रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा या थ्री टाइम लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा तीन गुना कम होगा या 3, तीन गुना ज़्यादा होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी से या रूट थ्री टाइम कम होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर है जब एक थ्री फेज स्क्वायर फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के टाइम उसका रोटर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना रहता है ना सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर रहता है ऑप्शन नंबर एट द करेक्ट आंसर क्योंकि देखो यह होता है रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू तो, स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी लेकिन जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है स्टार्टिंग के टाइम या स्लिप का वैल्यू क्या रहता है स्लिप का वैल्यू वन होता है अगर इसका वैल्यू वन हो गया मीनस इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू एफ होगा रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा इसीलिए स्टार्टिंग के टाइम स्लिप का वैल्यू वन होता है इसीलिए जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका रोटर स्टार्टिंग के टाइम रोटर फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितना रहता है ना सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर इक्वल रहता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई स्पीड इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं नो लोड स्पीड को या फुल लोड स्पीड को या रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को या रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टार्टर और रोटर को तो इसका आंसर होगा एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर का हम जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड होता है ऑप्शन नंबर सी उसको क्या कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर देखो मान लो ये हमारा एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है और उसके बीच में ये हमारा उसका रोटेट है ये रोटेट करता है तो इस स्टार्टर में पोल है तो ये जो पोल है इसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील होता है इसमें जो जो हमारा नेकड आई में हमें नज़र नहीं आता है उस, लेकिन उसमें फ्लक्स है जो फ्लक्स जो जिस स्पीड में रोटेट करता है उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड लेकिन रोटर जिस स्पीड में रोटेट करता है उसको कहते हैं मोटर का स्पीड लेकिन ये जो स्पीड है स्टार्टर में स्टार्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो स्पीड है उसको क्या कहते हैं ना सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं तो उसको रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टार्टर भी हो सकता है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक थ्री एसी सी थ्री फेज थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है देखो सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू क्या है ना वन ट्वेंटी ए बाई पी ये है उसका फॉर्मूला तो देखो कौन सा है 120 ट्वेंटी एफ बाई ये वाला फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सिंक्रोनस स्पीड एन एस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी इंटू फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई फॉल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द डिप्लेशन रीजन बिहेव देखो जो हमारा डिप्लेशन रीजन होता है वो ये चार में से कौन सा टाइप उसका बिहेव कैसा रहता है रजिस्टर जैसा रहता है या इंसुलेटर जैसा रहता है या कंडक्टर जैसा रहता है या सेमी जैसा रहता है तो इसका आंसर होगा जो डिप्लेशन रिजन होता है उसका बिहेव कुछ इंसुलेटर जैसा रहता है ऑप्शन नंबर बी द आंसर तो यह डिप्लेशन रीजन क्या होता है देखो हमारा एक पी टाइप सेमी होता है दूसरा एन टाइप सेमी होता है अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होता है ना एक पी एन टाइप सेमी बनता है पी एन टाइप सेमी बनता है अगर पी के साथ हम पॉजिटिव को कनेक्शन करेंगे और एन के साथ नेगेटिव को कनेक्शन करें यह पॉजिटिव बड़ा वाला स्मॉल वाला नेगेटिव होता है ऐसा कनेक्शन करेंगे इसको हम क्या कहते हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाइसिंग कहते हैं इस कंडीशन में क्या होता है ना करंट आसानी से फ्लो होता है फ्लो होता है आसानी से फ्लो होता है अगर हम गलती से क्या करेंगे ना पॉजिटिव के साथ पी के साथ नेगेटिव कनेक्शन करेंगे और एन के नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे जिसको कहते हैं रिवर्स वायरस इसमें क्या होता है करेंट फ्लो नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि ये जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर है दोनों के बीच में क्या होता है एक डिप्लेशन रीजन प्रोड्यूस होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी देखो ये हमारा पी एन सेमी कंडक्टर है जब यह रिवर्स बायस में होगा तब तो यहाँ पर क्या होगा एक डिप्लेशन डिजिजन प्रोड्यूस होगा जिसका काम क्या होता है ना करंट को फ्लो नहीं होने देता है देता है और जब यह फॉरवर्ड बायसिंग होता है तब यह डिप्लेशन डिजिटन लेयर जो होता है यह बहुत कम नेरो होता है बहुत नेरो होता है जिसे क्या होता है ना करंट आसानी से फ्लो होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन रीजन कम रहता है और रिवर्स बायसिंग में ये जो डिप्लेशन रीजन होता है बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए ये एक हमारा इंसुलेटर जैसा काम करता है ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हुईच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय सी कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप सी आर किसको मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को इंडक्टेंस को रेजिस्टेंस को या पावर फैक्टर को तो इसका आंसर होगा सी आर ओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मेजर ऑसिलोस्कोप मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एस सी आर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का मेन काम क्या है मेन एप्लीकेशन क्या है एम्पलीफायर के लिए यूज किया जाता है या ऑक्सीटर में यूज किया जाता है मल्टी वाइब्रेटर में यूज किया जाता है या स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर में के लिए यूज किया जाता है तो जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है उसको हम स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर के लिए यूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस सी आर सिलीकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसको हम मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई रूल डिटरमाइन द डिरेक्शन ऑफ रिले रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर जो डीसी मोटर होता है उसका डिरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर का आर्मेचर का जो डिरेक्शन रोटेशन रोटेशन का डिरेक्शन है वो कौन सा रूल डिटरमाइन करता है राइट हैंड ग्रिप रूल राइट हैंड पाम रूल फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीसी मोटर का आर्मेचर का रोटेशन का डिरेक्शन हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के डिटरमाइन करता है ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर तो डीसी मोटर के लिए हो गया फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल और जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है वो डीसी जनरेटर के लिए आया होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल और मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ लाइटनिंग सिस्टम इज यूज फॉर फ्लॉड और इंडस्ट्रियल लाइटिंग इंडस्ट्रियल लाइटिंग और फ्लॉड के टाइम कौन सा टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं डायरेक्ट लाइटिंग इनडायरेक्ट लाइटिंग सेमी डायरेक्ट लाइटिंग या सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लॉड के टाइम और इंडस्ट्रियल लाइटिंग में हम डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम को यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोल्ड कैथोड लैंप इनमें से किसको हम ये कौन सा कोल्ड कैथोड लैम्प इनमें से कौन सा है यान लैम्प कोल्ड कैथोड है या फ्लोरसाइन लैम्प कोल्ड कैथोड है या फ्लोरोसेंट मोर्क्यल्ड कैथोड है या वेपर कैथोड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा वेपर मोर्क्यम्प होता है ऑप्शन नंबर डी जो मॉर्क्यूरी वेपर लैंप होता है वो एक कोल्ड कैथोड लैम्प होता है ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर देखो जो अल्टरनेटर होता है उसमें डैम्पर वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉपर लॉस को कम करना होता है या विंडोज लॉस को कम करने के लिए या हन्टिंग इफेक्ट को कम करने के लिए या वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटर में हम डैम्पर वाइंडिंग को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो ऑल्टरनेटर का जो हन्टिंग होता है स्टार्टिंग के टाइम जो हन्टिंग होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम डैम्पर वार्निंग का यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैम्पर वार्निंग को हम हंटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हुईच कंडीशन इज टू बी सैटिस्फाइड बिफोर पैरेलल उप ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर देखो जब हम दो अल्टरनेटर को आपस में पैरेलल में कनेक्शन करके पैरेलल कनेक्शन करके ऑपरेशन करते हैं उस टाइम ये चार में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए रेटिंग मास्ट दोनों अल्टरनेटर जो दोनों ऑल्टरनेटर का रेटिंग मास्ट भी सेम होना चाहिए या दोनों का फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए या दोनों का रोटर का इंपोर्टेंस सेम होना चाहिए या दोनों का स्टार्टर इंपोर्टेंस सेम होना चाहिए तो इसका देखो आंसर होगा दोनों अल्टरनेटर का जो फेज सीक्वेंस होता है वो मास्ट भी सेम होना चाहिए जब दो अल्टरनेटर को हम पैराल ऑपरेशन करते हैं जब जब दो अल्टरनेटर पैराल ऑपरेशन करता है तब तो दोनों अल्टरनेटर की फेज सीक्वेंस मास्ट भी सेम होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन ऑल्टरनेटर कॉनेक्टिव सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है फ्रीक्वेंसी है फिफ्टी हर्ज एट रेटेड वोल्टेज वोल्टेज हैविंग पोल कितना है पोल है फोर इस कंडीशन में उसका स्पीड कितना होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या है वन ट्वेंटी इंटू फ्रिक्वेंसी कितना है फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड पॉल कितना है फोर फोर थ्री थर्टी हो गया फिफ्टीन हंड्रेड ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर फिफ्टीन हंड्रेड ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर ध्यान देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई दी आर्मेचर कॉर ऑफ अ डिसीजनेटर इज लामिनेटेड देखो ये ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट वीडियो में था और इसका आंसर थोड़ा रॉन्ग हो गया था तो देखो हम आर्मेचर में लैमिनेशन क्यों करते हैं तो लैमिनेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या करना होगा ना ई करंट लॉस को कम करना होता है जब हमें ई डी लॉस को कम करना होता है तब तो हम लामिनेसन करते हैं और जब हमें हिस्टरिस लॉस का कम करना होता है तब तो हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने गलती से बताया था हिस्ट्रीज लॉस को कम करने के लिए लैमिनेशन लाम, किया जाता है तो वो रॉन्ग था तो लैमिनेशन हम क्यों करते हैं क्योंकि करंट लॉस को कम करना आता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए जनरेटर इज वेरी लॉ देखो जो आर्मेचर होता है जनरेटर मान लो ये हमारा जनरेटर का ये हमारा ये फील्ड है साउंड फील्ड है और ये हमारा डीसी जनरेटर है तो ये आर्मेचर है ये जो आर्मेचर है इसका रेजिस्टेंस कम क्यों होता है साउंट फील्ड का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम क्यों होता है क्योंकि हमें आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करना होता है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा और वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं ना जो आर्मेचर होता है उसका रेजिस्टेंस को हम कम रखते हैं ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हुईज टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज हैविंग वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क देन एनी अदर टाइप ऑफ सिंगल टाइप सिंगल फेज मोटर देखो देखो इधर फोर्थ टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर है एक है यूनिवर्सल मोटर दूसरा है रिलक्टेंस मोटर तीसरा है रिपलसन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर चौथा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर ये फोर टाइप ये फोर क्या है ये चार क्या है ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टर्क सबसे ज्यादा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जो ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल मोटर जिसको हम मिक्सचर में यूज करते हैं मिस्टर गाइडिंग में मिक्सचर में जो इसको यूज करते हैं वो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है और उसका सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में से इसी यूनिवर्सल मोटर का सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन ए सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर देखो जो सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है वो वह कैपेसिटर को हम कहाँ पर यूज करते हैं स्टार्टिंग वार्निंग के सीरीज में कनेक्शन करते हैं या रनिंग वार्निंग के सीरीज में कनेक्शन करते हैं या स्टार्टिंग वार्निंग के साथ पारल में कनेक्शन करते हैं या रनिंग वार्निंग के साथ पारालाल में कनेक्शन करते हैं तो देखो इसका आंसर होगा जो कैपासिटर होता है परमानेंट कैपासिटी मोटर का जो कैपासिटर होता है उसको हम स्टार्टिंग वाइनिंग के सीरीज में कनेक्शन करते हैं ऑप्शन नंबर ए द कॉटन आंसर देखो मैं और एक बार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का फिगर बना रहा हूँ यह है उसका रोटर यह है उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग यह है उसका रोटर रनिंग रो, रो, वाइनिंग यह रनिंग वाइंडिंग यह स्टार्टिंग वाइंडिंग तो जो कैपेसिटर होता है वो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो यह होता है यह हमारा सिंगल फेज इंडक्शन परमानेंट कैपेसिटर मोटर का तो यह कैपेसिटर है और यह स्टार्टिंग वाइंडिंग है दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन है तो ऑप्शन नंबर ए जो कैपेसिटर होता है उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मोटर इज यूज टेबुल फैन टेबुल फैन में हम कौन सा मोटर का यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं या सेडेटपल मोटर यूज करते हैं या इडी करंट मोटर यूज करते हैं या परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम टेबुल फैन में यूज करते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है उसको हम टेबुल फैन में यूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देन आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग